महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने का समय है। हालांकि अभी भी कांग्रेस और अन्य प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार 22 अक्टूबर से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। इसी के साथ निर्वाचन आयोग की अधिसूचना भी जारी हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर तक है। इसके बाद आवेदनों की जांच होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है, जबकि राज्य में विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को परिणाम घोषित होगा। विपक्षी महाविकास आघाड़ी और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति से लेकर सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में व्यस्त है। हालांकि अभी तक महायुति में भाजपा ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जबकि अन्य दल शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ऐसे ही विपक्षी गठबंधन में भी अभी न तो कांग्रेस और न ही एनसीपी शरद पवार गुट और न ही शिवसेना उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। साथ ही छोटी पार्टियां और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी गहमागहमी शुरू हो चुकी है, जो 4 नवंबर के बाद पूरे महाराष्ट्र में जोर पकड़ेगी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राजनीतिक दलों के पास सरकार बनाने के लिए बामुश्किल 48 घंटे का समय बचेगा।